हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन नैनो टीम्स यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, दैट इज चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। गेट रेडी विथ यू पेन पेंसिल एंड ड्रॉ बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। सो गाइस, माई नेम इज नीरज प्रजापति एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। ओके, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब इट नाउ। एंड For any query, any doubt, any problem, you can join my Telegram group. There you can ask me any type of doubt, okay, related to your NCERT book. Okay, so do not forget to join that, and do not forget to subscribe and share to my this video. And it's the responsibility of yours that you have to like or not. So now let's start this video. तो गाइस, हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हमें आंसर का जस्टिफाई भी करना है। हाउ वी विल जस्टिफाई, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सो व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज सेइंग, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या? सो फर्स्टली we have to look what is real number, okay, what the actual is real number। black pencil लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको board पे थोड़ा सा light आ रही है, उसके लिए sorry, but करना पड़ रहा है, थोड़ी सी lightning कमी है यहाँ पे। okay, so आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, first part क्या बोल रहा है कि every irrational number is a real number। तो real number क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं real number। real number, as we all know that real number is a collection of rational number and irrational number। okay, rational number और irrational number के collection को ही हम कहते हैं real number। so आप देखिए, इसमें क्या पूछा है कि सभी irrational number real number हो सकते हैं क्या? तो सोचो, सोचते दिमाग में आंसर आना चाहिए। देखो इतना सिंपल है, देखो इसके अंदर, इसके अंडर में ही ये दोनों आते हैं, ठीक, इसके अंडर में ही दोनों आते हैं। तो मतलब जो ये पूरा मतलब रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये इनके अंडर में दोनों लोग आते हैं। ओके, आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद अपना आंसर जो एक्चुअल आंसर जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है उसको आप लिख लीजिए। बहुत अच्छा है, आसान तरीके से आप बना के उसको लिख सकते हैं। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, आई होप यू गेट दिस। ओके, क्योंकि ये रियल नंबर के अंडर में ये दोनों लोग आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। so what the second part is, point of the number line is form of under root m, where m is a natural number। okay, where m is a natural number, इसमें actually answer कहा क्या है, मतलब question इसमें कहा पूछा क्या है कि जो number line होते हैं ना, number line पहले बना लेते हैं zero, यहाँ पे origin point, उसके बाद यहाँ पे positive integers यहाँ पे आ जाएंगे। okay, यहाँ पे सब negative integers। okay, तो इसमें क्या कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, वहां पे मतलब सभी पॉइंट पे हम अंडर रूट एम को लिख सकते हैं। तो ये जो सुनने में हमें क्या लग रहा है, फॉल्स लग रहा है। अब इसका रीजन जान लेते हैं, हाउ कैन बी फॉल्स, हाउ इट कैन बी फॉल्स। देखो, नेचुरल नंबर, आप ध्यान दे लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, नेचुरल नंबर कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन नंबर लाइन पे नेगेटिव भी तो आते हैं। और इसमें पूछा क्या है कि हम कहीं पर भी अंडर रूट एम को लिख सकते हैं, जहां पर एम नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है ना, ध्यान सुनिए एक बार फिर से, पॉज करके 10 सेकंड पहले देख लीजिए मैंने अभी क्या बोला। ओके, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव तो होते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव हम सभी जानते हैं, नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो गाइस, हमारा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? सो सी ऑन द बोर्ड। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक, ये मैंने आपको बताया था ना, रेशनल नंबर इज कलेक्शन ऑफ मतलब रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो इसमें क्या पूछा है कि सभी रियल नंबर
इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? सोचो, देखो सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? तो जब देखो यहाँ पे क्या है कि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना है रेशनल नंबर, अरे सॉरी रियल नंबर, लेकिन इसमें कहा है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते, इसमें रेशनल नंबर भी आता है। तो आप अकेले इसको इसको क्यों ले रहे हैं, इसके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, इसको भी लीजिए, ठीक है ना? तो सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें दोनों पार्ट आते हैं, तो एक नहीं हो सकता। सो आवर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू गेट दिस, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू हो हम आपको तुरंत ही फॉरन आपको हो आपको उसी जो भी क्वेश्चन आपका आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा आप तुरंत मुझ पे मुझे वहाँ पे सेंड करिए। आई विल ट्राई फास्ट टू सॉल्व दैट, ओके, एंड आई विल रिप्लाई यू सून। शुड नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन क्लिक इवन एट नाउ एंड ज्वाइन दैट, ओके। एंड आई आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू समथिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बटन इज बिलो द वीडियो, ओके, यू कैन सब्सक्राइब एंड व्हेन यू सब्सक्राइब देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो गाइस हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज रेशनल नंबर। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स को देने हैं जो कि स्क्वायर रूट होंगे रेशनल नंबर के, ठीक है ना? सो नाउ लेट्स सी ऑन द गाइस, इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल नंबर, अगर नहीं होते हैं, इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे नंबर एग्जाम्पल्स को बताने हैं जो क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे, ओके। देखो मान लेते हैं ये फोर अंडर रूट फोर, ब्लैंक इसके से लिखते हैं, अंडर रूट फोर, अंडर रूट नाइन, अंडर रूट 16, अंडर रूट 49, ओके। तो इनके देखो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, इनके परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएंगे, फोर, इसका टू हो जाएगा, इसका थ्री हो जाएगा, इसका 16 सॉरी फोर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरी बात ना, तो ये भी देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 49, 16, 9 एंड 4 ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इनके परफेक्ट स्क्वायर क्या रहे, रेशनल नंबर आ रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू क्या है, 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर, ओके। तो मेरी बात ना, तो ये रेशनल नंबर हो गए। तो आप देखो, अब ऐसे भी कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके इस जिनके परफेक्ट स्क्वायर ना इरेशनल नंबर होते हैं। अब वो कौन से नंबर होते हैं, वो एक्चुअली में कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर आप इतना रिमेम्बर याद कर लीजिए, प्राइम नंबर जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनके जब आप स्क्वायर रूट करोगे ना, इनके डेसिमल में आएंगे, डेसिमल में, ठीक ना, ये अंडर रूट में भी आ सकते हैं, तो आप उनको इरेशनल सॉरी रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर हो क्या होगा कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट रेशनल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है ना, उसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं। सो आई होप यू गेट द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इन दिस क्वेश्चन, ओके। अगर आपको रीजन पता हो गया है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन ऑल्सो राइट द रीजन ऑफ दैट, ओके। आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड इट विल बी द आवर लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन को अंडर रूट 5 अंडर मतलब अब हमें नंबर लाइन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें अंडर रूट 5 को मतलब इरेशनल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं पहले, नंबर लाइन, ओके, और ये 0.0, फिर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे 3 4, आप यूनिट में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जितना आप यहाँ से लेंगे आप उतना ऊपर पे लेंगे, ऊपर कैसे लेंगे देखते हैं अभी ना। तो देखो हमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले क्या करना चाहिए,
ये रेशन नंबर है नहीं, देखिए रेशन नंबर को तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं इजीली इस पे, ओके, जो कि हम हमेशा कहते हैं 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे ऐसे, लेकिन जो अंडर रूट में आते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करें उनके लिए हम देखिए एक पहले सबसे पहले हम उनको देखते हैं वो किन किन से कंबाइन होकर बने होते हैं। तो देखो अंडर रूट जो 5 होता है इसको इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे कि जिससे बना होता है तो उसके लिए हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कौन सा उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। तो देखो हाइपोटेनस, तो देखो अंडर रूट जो 5 है ना किसे मिलकर बना होता है पहले ये देखते हैं, ये 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको अंडर रूट में लेके, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 होता है, अब 1 का 1 ही होता है तो 4 1 5, ओके अंडर रूट 5 आ गया। तो हमें देखो जो अंडर मतलब ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर मतलब हमें इसको बेस मानना पड़ेगा और इसको परपेंडिकुलर, ओके। तो हाइपोटेनस हमें अभी नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद बेस क्या है, बेस को हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस परपेंडिकुलर का मतलब 1 का स्क्वायर, ओके 1 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब इन सबको अंडर रूट में ले लेते हैं, फिर 2 का स्क्वायर उसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 5, ओके। तो अब हमारा जो ये था पाइथागोरस थ्योरम का जो हमें करना चाहिए था हमने वो कर लिया है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो हम यहाँ से 0 से लेते हैं, हमें सबसे पहले बेस को कितना लेना है, बेस को हमें लेना है 2 यूनिट्स लेना है, तो यहाँ से हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक ना, 2 यूनिट्स हम बेस से ले रहे हैं। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर को हमें कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट हम अपने स्केल से नाप कर लेंगे, देखो ये भी इसका डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए और 1 यूनिट हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से 2 पे आया है तो 2 पे ही लेंगे हम 1 यूनिट का डिस्टेंस, ओके, इतना मान लीजिए है यहाँ पे 1 यूनिट, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि अब स्केल लेना है डायरेक्ट, हम इस पे से इस पे हमें लाइन को क्रॉस करा देना है ऐसे, ठीक। तो अभी अभी तक इसको सबसे पहले इनको हमें क्या कर देते हैं, इनको इनका नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये हो गया हमारा, इसको ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, ओके। तो अब देखो अभी हमारा अभी जो है ना, अभी हमारा रिप्रेजेंट नहीं हो पाया है पूरा नंबर लाइन पे, अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे अपने प्रोटेक्टर से, उसके बाद ऐसे करके एक ऐसे आर्क मारेंगे, ऐसे ऐसे हम आर्क मारेंगे, जो तब आर्क जब लेंथ का नाप करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेगा कुछ, यही अप्रोक्सीमेटली यहीं पर पहुँचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 हमारा हाइपोटेनस भी पता चल गया, ओके। ये हमारा क्या हो गया अंडर, ये हो गया हमारा 2, ये हमारा हो गया 1 और उसके बाद ये अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। तो आप इसको कॉपी में इजिली कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर को क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई से सब कुछ होता है, सब ट्राई करेंगे तो आपका सब सारे चीजें सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट सीखने को जरूर मिला होगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू यू ऑल फ्रेंड्स विच यू हैव टेकन योर ग्रुप, ओके। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वॉट एवर, ओके। तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ इसी तरीके से हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद एंड जय भारत।